नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। छठ को लेकर गोला डेली मार्केट में बाजार सज चुका है, पर छठ में जो रौनक होती है वो रौनक नहीं है। कारण है कोरोना का डर, पर सरकार के गाइडलाइन में बदलाव को लेकर छठ व्रतियों में खुशी है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इसे लेकर क्षेत्र में छठ महापर्व की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और छठ व्रती गेहूँ सुखाने में जुट गई हैं। छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर सार्वजनिक जलाशयों में अर्घ्य देने पर पाबंदी लगाए जाने पर छठ व्रतियों में मायूसी छाई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन में बदलाव किए जाने के बाद अब छठ व्रतियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसका कोरोना के चक्कर की वजह से हम लोग छठ इस बार अच्छे से मनाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। साथ में सभी परिवार एक साथ इकट्ठे हुए हैं तो सभी इंजॉय करें। हमारे यहाँ काफ़ी समय से काफ़ी सालों से छठ मनाया जा रहा है। ये मेरा दूसरा साल होने वाला है और कोरोना की वजह से हम लोग काफ़ी डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं, इसलिए ये साल कोशिश कर रहे बहुत अच्छे से छठ हमारे साथ बने और प्रभु का कृपा सब पे बने रहे। मतलब बाजार में तो भीड़ भाड़ है लेकिन इसे खरीदारी नहीं हो रही, इस प्रकार से हर एक साल होती है। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। राज्य सरकार गाइडलाइंस में बदलाव कर चुकी है। गाइडलाइंस में बदलाव के बाद सामाजिक संगठन और छठ व्रतियों के चेहरे खिल उठे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए गोला से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट।